जमीनी विवाद में ईंट और तलवार से किया जानलेवा हमला, कई लोग घायल। हिसुआ थाना क्षेत्र के सकरा गांव में जमीनी विवाद के कारण एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के लोगों पर अचानक ईंट और तलवार से जानलेवा हमला कर दिया, जिसके कारण दूसरे पक्ष के लोग बुरी तरह घायल हो गया। घटना शनिवार सुबह 10 बजे बताई जा रही है। घटना के संबंध में घायल बलेंद्र सिंह ने बताया कि हमारे गाँव के ही रणधीर कुमार वगैरह हमारे एक मकान को करीब 20 वर्षों से कब्जा जमाए रखा है, जिसके कारण वे लोग हम लोग के जान के पीछे पड़ा हुआ है। आज सुबह भी हम लोग अपने घर के समीप सब परिवार खड़े थे, तभी दूसरे पक्ष के द्वारा पूर्व से इकट्ठा कर रखे गए ईंट और तलवार से हम सभी परिवार वाले पर अचानक हमला बोल दिया, जिससे बलेंद्र सिंह, अरविंद सिंह और गगन कुमार, छोटू कुमार, निशु कुमारी, मंजू देवी, रीता देवी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में बलेंद्र सिंह ने हिसुआ थाना में आवेदन देकर रणधीर कुमार, सुनील कुमार, उमेश सिंह, सोनी कुमारी और छोटी कुमारी को नामजद आरोपी बनाया है। किस घर क्या हुआ? किस चीज़ का लड़ाई हुआ, किस चीज़ के लिए? जमीन विवाद। आपका नाम? बलेंद्र सिंह। कितने लोग घायल हुए? इधर से 5-6 लोग। दोनों तरफ से कार्रवाई हुआ, मारपीट हुआ क्या? दोनों एक तरफा मार हुआ है सर, तलवार निकाल के डायरेक्ट मार किया है, तलवार और अगर। अच्छा, कितना लोग घायल हैं? हम 5-6 लोग हैं। 5-6 लोग हैं। आपका नाम? मेरा नाम पवन कुमार। पिता का नाम? अरविंद सिंह। घर? सकरा।